बॉलीवुड पर एक कहावत जो है, अब ये कहावत है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो बात है काफी सटीक बैठती है। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे इस धुएं में ही घुलने दो। जी हाँ, जैसा कि एनसीबी ने जब से ड्रग एंगल की जांच करी है सुशांत सिंह राजपूत केस में, जब से रिया चक्रवर्ती ने अपना मुंह खोला है, सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं, ये खबरें भी सामने आई थी कि एनसीबी के पास 25 सेलिब्रिटीज की, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लिस्ट है, खबरें आ रही थी। उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई थी कि कोई लिस्ट नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने जो नाम लिए हैं उसमें सारा अली खान का नाम था, रकुलप्रीत सिंह का नाम था और सिमोन खंबाटा का नाम था। अब आपको बता दें कि जैसे बॉलीवुड में कंगना रनौत ने बोला था कि 99% बॉलीवुड, यू नो, वो मिला हुआ है ड्रग्स में, एक तरह से सब ड्रग्स लेते हैं, सब ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जब से एक हाल ही में खबर आई है कि जया साहा जो है, जिसको एनसीबी ने समन भेजा था, और आज जया साहा एनसीबी के सामने पेश भी हुई थी, उनकी एक व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है, एक रिकवर हुई है चैट, जिसमें डी नाम आया था, के नाम आया था, एस नाम आया था, और ना जाने कितने अल्फाबेट्स के नाम आए थे। अभी तो ये शुरुआत है, व्हाट्सएप चैट में जो ये डी के एस जो नाम आ रहे थे ना, अभी तो ये शुरुआत है। और अभी पता नहीं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी कितने नाम आएंगे, कितने लोगों के नाम आएंगे। अब आपको ये भी बता दें कि जो लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जिसमें डी इज इक्वल टू दीपिका पादुकोण निकल कर आ गया है। जी हाँ, रिवील किया गया है रिपब्लिक भारत की तरफ से कि दीपिका पादुकोण का नाम ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें डी वो एक ड्रग चैट में इंक्लूड है। उसके बाद के नाम आया। अब के पर बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की, भाई ये के कौन है, कौन है, सबको एक ही शक था। लेकिन अब आपको बता दें कि कहीं ना कहीं वो शक, उसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्या शक था, बट आपको बता दें जो के नाम आ रहा है, अब के इनके जो मैनेजर हैं करिश्मा प्रकाश, उनको एनसीबी ने समन भेज दिया है। जी हाँ, नाम भी करिश्मा प्रकाश उनका नाम है, करिश्मा प्रकाश मैनेजर हैं वो दीपिका पादुकोण की, उनको समन भेज दिया है एनसीबी ने, और उनको कल बुलाया है। और अब आपको बता दें कि उनसे क्या पूछताछ हो सकती है, उनसे ये पूछताछ हो सकती है कि दीपिका पादुकोण जो करण जौहर की पार्टी में थी, उसमें क्या ड्रग्स चली थी। ड्रग चैट में दीपिका पादुकोण का जो नाम आ रहा है वो क्या दीपिका पादुकोण का ही नाम, एक तरह से उन्होंने किस बारे में बात करी, कोकेन के बारे में बात करी, किस चीज़ के बारे में उन्होंने बात करी, कौन सा स्पॉट था, कौन सी पार्टी में गए थे। बॉलीवुड की जितनी भी ड्रग्स पार्टीज होती हैं सबके बारे में पूछेंगे। और अब सूत्रों की खबर ये भी आ चुकी है कि दीपिका पादुकोण को एनसीबी समन भेज सकती है सीधा, कल उनकी मैनेजर से बात होगी, उसके बाद पूछताछ होगी, बात नहीं पूछताछ ही रहते हैं भाई वो एनसीबी वाले। और दीपिका पादुकोण ने पूछा। अब आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत सामने चल रहा है, जिसमें ये रिवील कर रहे हैं रिपब्लिक भारत वाले कि दीपिका ने पूछा कि माल है, और वो कहते हैं कि वीड नहीं चाहिए, ऐसा दीपिका का कहना है अकॉर्डिंग टू द चैट। और उन्होंने आगे पूछा है कि माल है और उन्हें क्या चाहिए, तो आपको बता दें कि उन्होंने ये भी पूछा है कि हैश है ना, हैश। सो जो ऐसी कुछ बातें हैं जो कि साफ सीधा लग रहा है कि एक ड्रग्स की बातें चल रही हैं। सो अब आपको बता दें कि अब इस ट्रैक चैट को लेकर दीपिका पादुकोण को समन भेज सकती है एनसीबी। जी हाँ, क्योंकि अब सामने सबूत आ चुके हैं। तो और करण जौहर की जो पार्टी हुई थी, जिसमें जब एक वीडियो बना था जिसमें सबसे पहले दीपिका पादुकोण आगे खड़ी थी, तो सबसे पहले दीपिका पादुकोण को ही पकड़ लिया गया है एक तरह से। अब उनसे बात होगी, पूछताछ होगी। और करण जौहर की जो पार्टी हुई थी उनके घर पे, जिसपे काफ़ी बवाल खड़ा हुआ था कि हाँ एक ड्रग पार्टी है, ऐसा बोला जा रहा था खबरों में, और उस पार्टी की भी जांच होगी, और उस पार्टी में जो जो लोग थे सबको समन भेज सकती है एनसीबी, क्योंकि कई लोग, कई ऐसे उसमें सेलिब्रिटीज हैं जिन जिन जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए थे, कहा जा रहा था कि उन्होंने ड्रग्स ले रहे हैं, और उस टाइम पे वो ड्रग्स ले रहे थे, समझ सकते हैं आप किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो अब आपको बता दें कि ये जो सामने खबरें आ चुकी हैं, अब क्या होगा आगे, कितने और नाम रिवील होंगे बॉलीवुड सेलेब्स के, ये तो आगे की चैट जब रिवील होंगी। और भी कई सारी ऐसी चैट है जो कि रिकवर होगी, जो कि बहुत सारी चैट चैटें डिलीट करी हैं, चैटें यानी चैटें चैटें डिलीट करी गई हैं व्हाट्सएप से। अब धीरे धीरे सबको सबको रिवील, सब सारी सारी जो चैट्स हैं सबको एक्सेस करेंगे, और जिन जिन के नाम आएंगे सबको समन भेज दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप, हमें कमेंट ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, और मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा, तो चैनल के साथ बने रहें।